गाइस, गुड मॉर्निंग. आई एम बीके शर्मा फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी. हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ इज योर फादर? ही इज आल्सो फाइन. हाउ इज योर मदर? शी इज आल्सो फाइन. हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? इट्स गेटिंग अलॉन्ग फाइन. ओके, व्हाट क्लास इज टुडे? इट्स 59 क्लास. व्हाट डे इज टुडे? इट्स सैटरडे. व्हाट क्लास, व्हाट डेट इज टुडे? इट्स 11th of July 2020. ओके गाइस, हियर वी गो. टॉपिक ए, वी गॉट ट्रांसफर्ड. उसका ट्रांसफर हो गया है. याद रखिए, कंडीशन में बदलाव होता है तो हम गेट का प्रयोग करते हैं. ही गॉट ट्रांसफर्ड, उसका ट्रांसफर हो गया है. तब क्वेश्चन होता है, हु गॉट ट्रांसफर्ड? किसका ट्रांसफर हो गया है? हु गॉट ट्रांसफर्ड? किसका ट्रांसफर हो गया है? रवि गॉट ट्रांसफर्ड. रवि का ट्रांसफर हो गया है. रवि गॉट ट्रांसफर्ड. अगला क्वेश्चन, Why did he get transferred? उसका ट्रांसफर क्यों हो गया है? Why did he get transferred? Because he picked up quarrel with his boss. क्योंकि उसने अपने बॉस से झगड़ा कर लिया था. Because he picked up quarrel with his boss. क्योंकि उसने अपने बॉस से झगड़ा कर लिया था. Where did he get transferred? कहां पे हो गया उसका ट्रांसफर? Where did he get transferred? कहां पे उसका ट्रांसफर हो गया है? He got transferred in Delhi. उसका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया. He got transferred in Delhi. How long is it since he got transferred? कितना समय हो गया है उसके ट्रांसफर को? How long is it since he got transferred? उसके ट्रांसफर को हुए कितना समय हो गया है? It's 3 months since he got transferred. उसके ट्रांसफर को हुए 3 महीने हो गए हैं. It's 3 months since he got transferred. देखिए अगला, she Sita because she told a lie in court 3 days. इसमें करना, she got transferred. She got transferred. उसका ट्रांसफर हो गया है. Who got transferred? इसका ट्रांसफर हो गया है. Sita got transferred. सीता का ट्रांसफर हो गया है. Why did she got transferred? Why did she get transferred? उसका ट्रांसफर क्यों हो गया? Because she told a lie. क्योंकि उसने एक झूठ बोला था. Where did he get transferred? उसका ट्रांसफर क्या हुआ? He got transferred in Kota. उसका ट्रांसफर Kota में हो गया है. How long is it since he got transferred? कितना समय हो गया उसके ट्रांसफर को? It's 3 days since he got transferred. उसके ट्रांसफर को है 3 दिन हो गए हैं. अगला टॉपिक, हैव यू एक्शन थर्ड? क्या आपने ये काम कर लिया? हैव यू एक्शन थर्ड? क्या आपने ये काम कर लिया? नॉट येट, अभी तक तो नहीं. कहते ना, अभी तक तो नहीं. नॉट येट, अभी तक तो नहीं. बट आई एम गोइंग टू एक्शन, लेकिन मैं इस काम को करने जा रहा हूं. बट आई एम गोइंग टू एक्शन. एक्शन क्या है? सबमिट द फॉर्म. फॉर्म को सबमिट कराना, जमा कराना. कॉल ऑफ द बॉस, बॉस को कॉल करना, फोन करना. मेक द रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाना. अब हम कन्फर्म करते हैं, हैव यू सबमिटेड द फॉर्म? आपने क्या फॉर्म को सबमिट करा दिया? नॉट येट, अभी तक तो नहीं. बट आई एम गोइंग टू सबमिट द फॉर्म, लेकिन मैं फॉर्म को सबमिट कराने जा रहा हूं. हैव यू कॉल्ड अप द बॉस? क्या आपने बॉस को फोन कर दिया? हैव यू कॉल्ड अप द बॉस? नॉट येट, अभी तक तो नहीं. I'm going to call up the boss. Make the report. Have you made the report? क्या आपने रिपोर्ट बना ली? Not yet. अभी तक तो नहीं. But I'm going to make the report. लेकिन मैं रिपोर्ट बनाने जा रहा हूं. इधर आइए. Computer is a gift of science for us. Computer हमारे लिए विज्ञान का उपहार है. Computer is a gift of science for us. कंप्यूटर हमारे लिए विज्ञान का उपहार है. इट कैन ऐड, ये जोड़ सकता है. सबट्रैक्ट, घटा सकता है. मल्टीप्लाई, गुणा कर सकता है. एंड डिवाइड, और भाग दे सकता है. करेक्टली, ठीक ठीक तरीके से. इट कीप्स देयर रिकॉर्ड्स, ये उनके रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखता है. इट कीप्स देयर रिकॉर्ड्स सेफली. इट इज वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है. इट प्रिपेयर्स आवर मार्कशीट, यह हमारी मार्कशीट बनाता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन LIC, बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस
एंड मेनी अदर बिग ऑफिसेस। कंप्यूटर का यूज होता है LIC में, बैंक में, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में और अन्य बड़े ऑफिस में। वी हैव एंटर्ड इन द कंप्यूटर एज, हम कंप्यूटर एज में प्रवेश कर चुके हैं। द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स इज वेरी ब्राइट, जो कंप्यूटर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही चमकीला है, बहुत ही सुरक्षित है। तो गाइज इस तरीके के छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमको बनाने हैं ताकि हम हमारी एजुकेशन को अच्छा कर सकें। ओके गाइज, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।